Hi, friends! साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज का बोर्ड लगा के कुछ जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। अभी मजा चखा दो। Now watch the fun. Okay. Oh, see what happened. Ta-da! Silence, please. Welcome to Science with Brain Cafe. मैं हूँ शक्ति। मैं अंकल H2O। हम सब में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो बाकी क्वालिटी से अलग होती हैं। हमारी इनर स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी भी एक हद तक इन्हीं क्वालिटी से आती है। उस एनर्जी को चेंज या कन्वर्ट करने के लिए उसकी क्वालिटी को कन्वर्ट करना जरूरी होता है। बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस? क्योंकि आज हम अपनी स्ट्रेंथ या एनर्जी की तो नहीं, लेकिन साइंस के इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग कारनामे देखने वाले हैं, क्योंकि यही है आज का थीम। तो गाइस, आप लोग तैयार हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के कारनामे देखने के लिए? यस। आई कांट हियर यू। नाउ आई कैन हियर यू। शक्ति, सबको तुमने चार्ज कर दिया, लेकिन बेटा मुझे तुम चार्ज करो ना। देखो मेरा एनर्जी लेवल कितना लो है, इसके बारे में कुछ करो ना। क्या हो गया अंकल, आपकी एनर्जी लेवल इतनी लो क्यों है? बेटा बात यह है कि जब तक तुम मुझे वो बैलून वाले कारनामे का पीछे क्या सीक्रेट है वो बताओगे नहीं, मेरा लेवल तो लो ही रहेगा ना एनर्जी का। अंकल ऐसा मत कहिए, आप ही की वजह से इस कैफे में थोड़ी जान आती है। और रही बात वो कारनामे की, तो वो तो मैं अभी समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हुए रिएक्शन ने अपने आप को एनर्जी के 3 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट और रिवील किया। वो है साउंड, लाइट और हीट। तभी तो लाउड साउंड क्रिएट हुआ, इसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो यही तो है आज का थीम भी। वाह वाह वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और मेरा एनर्जी लेवल भी वापस आ गया, देखा। क्या बात है। वैसे लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस एंड कोरिलेशंस। जैसे कि एनर्जी वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड एनर्जिया से, जिसका मतलब है एक्टिविटी। या आई थिंक आई हैव हर्ड दिस समवेयर। मैंने ये सुना इसके बारे में कहीं ना कहीं। I've heard. क्या बात है अंकल, इतने सारे कैंडल्स, आपको एक कारनामा दिखाने वाले हैं क्या? कारनामा? ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं बेटा, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। वो तुमने पढ़ा नहीं आज पेपर में? क्या? आज 1 घंटे के लिए इस पूरे एरिया में लाइट जाने वाली है। सो मैं पहले से ही लाइट की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे ये कैंडल से अंधेरा तो दूर हो जाएगा, लेकिन गर्मी का क्या? गर्मी को दूर करने का तुम्हारे पास आई एम श्योर कोई ना कोई तो फैंटास्टिक आइडिया होगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम कैंडल से फैन को एनर्जी सप्लाई करें। कैंडल से फैन को एनर्जी? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कैंडल में और फैन में ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर कैंडल फैन को बोलेगी, भैया तुम मुझे हवा दो, मैं तुम्हें रोशनी दूंगी। नहीं, लेकिन सच मुझ अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। है क्या? लगता है आपको तब तक यकीन नहीं होगा जब तक मैं आपको वो कारनामा करके ना दिखाऊं। कौन सा कारनामा? कैंडल्स के सहारे फैन को स्पिन करने वाला कारनामा। Oh, really? Yes. I'm waiting. Okay, all right then, let's see it. अब हम इन कैंडल से फैन को स्पिन करेंगे। देखो, how is it possible? I will help you to light them, Shakti. ओके, थैंक यू अंकल। अब आपको यकीन हो जाएगा कि कैंडल से फैन कैसे चलता है।
सी क्या हुआ अंकल, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? कहीं आप एम्बेरस तो नहीं हो गए? एम्बेरस और मैं, वो तो ऐसे ही मेरे जो गाल हैं वो टमाटर की तरह लाल हैं। लेकिन इसके पीछे राज क्या है उसका खुलासा तो करो। अंकल कोई राज नहीं है, बस इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का एक और सिंपल एग्जांपल है ये, जहां हीट एनर्जी मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कैंडल से हीट राइज हुई और उसने फैंस के स्लैंटेड ब्लेड्स को हिट करके उनके चारों ओर कन्वेक्शन करंट पैदा किया। इससे फैन के ब्लेड्स मूव करने लगे। ऐसे में एक साइकिल क्रिएट हो गई। गर्म हवा ऊपर उठ के फैन के ब्लेड्स को हिट करती गई और कोल्ड एयर नीचे डिसेंड करती गई। हाँ, कैंडल बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। सिर्फ कैंडल ही नहीं अंकल, यू नो लाइट बल्ब सिर्फ 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है टू क्रिएट लाइट, बाकी के 90% से वो हीट जनरेट करता है। हम इसको बंद कर देते हैं। ओके क्या हुआ अंकल? चूहा चूहा क्या क्या ढूंढ रहे हो? माउस ट्रैप ढूंढ रहा हूँ। माउस ट्रैप कहाँ गया मेरा माउस ट्रैप? ये लगता है चूहों को पता है कि मैं उनको पकड़ने वाला हूँ, उन्होंने मेरा माउस ट्रैप कहीं छुपा दिया है या उसको खा गए हैं। माउस ट्रैप वो तो मेरे पास है। तुम्हारे पास है मेरा माउस ट्रैप? तुम क्या करोगे उसका? लाओ वापस करो मुझे, लाओ। अब मैंने माउस ट्रैप वो स्पेशल पर्पस के लिए इसको ऑलरेडी यूज कर दिया। स्पेशल पर्पस? यस बेटा शक्ति, माउस ट्रैप का एक ही पर्पस होता है, चूहे पकड़ना, माउस को ट्रैप करना। अब नहीं, अब तो उसे फुल्ली फंक्शनल कार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब तुम अब मेरे माउस ट्रैप की कार बनाओगे, चूहे उस कार में बैठेंगे और ब्रेन कैफे से बाहर निकल जाएंगे। हाउ सिली शक्ति। अच्छा दिखाओ कहां वो कार, दिखाओ मुझे। जो हुक्म मेरे अंकल H2O। फ्रेंड्स अलाउ मी टू प्रेजेंट यू द ऑल न्यू माउस ट्रैप कार। ये देखिए आपका माउस ट्रैप और ये रही मेरी कार। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने माउस ट्रैप को एक कार जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट कर दिया। इस माउस ट्रैप का स्प्रिंग एक रॉड से अटैच किया और उस रॉड को अटैच किया एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग को कार के बैक एक्सल पे वाइंड करेंगे स्प्रिंग को पूरी तरह स्ट्रेच करने के लिए। ये देखिए ये मतलब ये है कार एक्सल। यस ओके। और फिर जैसे ही हम माउस ट्रैप कार को रिलीज करते हैं, स्प्रिंग रॉड को खींचता है और रॉड स्ट्रिंग को। जैसे ही स्ट्रिंग एक्सल से अनवाइंड होता है, एक्सल रोटेट करने लगता है, जिस वजह से कार भी आगे की ओर मूव करने लगती है। अरे वो सब मैं समझ गया कि वो स्ट्रिंग है और वो स्प्रिंग है और वो फलाना है, ये ढमकाना है। ये बताओ ये चलेगी कैसे? ओके मैं अभी दिखाता हूँ। ये ना बच्चों, am I right? All right, ये हमारा माउस ट्रैप स्ट्रिंग है। हम इसको थोड़ा ऊपर ऐसे खींचेंगे और इसे यहाँ पे लिफ्ट करके, ये अभी काम करिए, ये टायर्स को पीछे घुमाइए। हाँ बस घुमाते रहिए, स्ट्रिंग को वाइंड कीजिए। और ओ बस 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 आइए छोड़ देते हैं, अब हम इसे चलाएंगे। So guys, you ready? Yeah! For the new mouse trap car. Ab. Whoa! Kya baat hai? Once again? Yeah! Okay, even I want to see once again. Okay, the mousetrap car is ready to scoot. Here we go. 1, 2, 3, and go! Yeah! वाह शक्ति वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही बढ़िया कार बनाई तुमने मेरे माउस ट्रैप की। सोच रहा हूं हर चूहे को एक कार गिफ्ट कर दूं, उसको बोलूं ले भाई कार में बैठ और निकल जा मेरे ब्रेन कैफे से। अंकल ये गिफ्ट वाला आइडिया हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले ये डिस्कस कर लें कि इसकी थियरी क्या है। वो तो बहुत जरूरी है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, स्ट्रिंग को बैक एक्सल पे वाइंड करते ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है माउस ट्रैप के स्प्रिंग पे।
एक्सल को रिलीज करते ही स्प्रिंग भी रिलीज होता है और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लुक एट द आरएनई शक्ति, हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की और मेरी एनर्जी कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के मेरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। That's not possible, Uncle Astro. एनर्जी के चाहे जितने कन्वर्जन हो यूनिवर्स में, उसका वॉल्यूम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। उसे ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय। अगर अंकल की एनर्जी की तरह आपकी एनर्जी भी कम हो रही है तो उसे रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है। A quick break and then we move on to bigger thing. Okay guys, you want to try that again? I just don't believe it. ये कैसे हो रहा है? It's unbelievable. लेकिन interconversion of energy ने इसे believable बना दिया और fully functional भी। Mechanical pressure से produce किए गए electrical pressure को piezo electricity कहते हैं। जब किसी object पे pressure apply होता है, तो expanded side पे वो एक negative charge produce करता है और compressed side पे एक positive charge। Pressure के release होते ही वो electrical current उस material के through pass करता है। ये walking जैसे similar motion की वजह से possible है। For example, इस board पर एक कदम रखते ही पाइजो इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी की वजह से सेंसर्स उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैप्चर कर लेते हैं जो प्रेशर से क्रिएट होता है। पाइजो मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर लेते हैं ताकि ये भी सोर्स ऑफ पावर बन जाए। भाई वाह, जिस तरह से पाइजो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ पावर है, उसी तरह से तुम हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, सोर्स ऑफ होप हो एंड सोर्स ऑफ नॉलेज हो। अंकल H2O इज राइट, ऑलवेज राइट। अंकल वो जल रहा है क्या? हाँ शक्ति, फिलहाल तो मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ तुम्हारी नॉलेज से। अरे अंकल, मैं एनवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे टाइप ऑफ बर्निंग की बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ओ ओ ओ ओ ओ क्या जल गया अंकल? अरे कस्टर्ड जल गया, कस्टर्ड कस्टर्ड। अरे क्या हो गया? अरे अपनी घड़ी को क्यों मार रहे हैं? अरे कस्टर्ड जल गया। मैंने इस घड़ी में टाइमर लगाया था, टाइमर, लेकिन अलार्म बजा ही नहीं, पूरा मेरा कस्टर्ड पूरा का पूरा जल गया। अंकल मैं तभी तो कहता हूँ इन आउटडेटेड वॉचेस को छोड़िए और वाटर टाइमर लेकर आइए। वाटर टाइमर? हाँ, जिंदगी में सुकून पाइए। ये क्या है भाई? नाउ डोंट टेल मी कि आपको वाटर टाइमर के बारे में पता नहीं है। नहीं पता, पता होता तो क्यों पूछता तुम्हारे को मैं। ठीक है, लगता है आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि वाटर टाइमर क्या चीज है। Yes, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे ये नन्हे मुन्ने दोस्त भी सुनना चाहते हैं कि वाटर टाइमर क्या है। Are you ready? Yeah! Okay then. Okay, so वाटर टाइमर बनाने के लिए हमें चाहिए एक वाटर टैंक। इस वाटर टैंक में हमने एक पाइप अटैच किया है जो सीधा आ रहा है नीचे की ओर यहां पर, और ये जब पानी शुरू होगा तो पानी गिरेगा इस पेंडुलम वाटर चैनल पर। और इसे पेंडुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरीके से पेंडुलम की तरह मूव करता है। जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरेगा, पानी यहां से गिर के सीधा इस फनल में जाएगा और ये फनल से जाएगा सीधा रोटर पर और ये रोटर घूमना शुरू कर देगा। रोटर ब्लेड पर जब पानी गिरता है तब रोटर मूव करने लगता है। ये कैलिब्रेटेड है 6 seconds के लिए, दैट मीन्स 1 rotation = 6 seconds। और हम इसे अभी शुरू करेंगे एंड द वाटर टाइम काउंट डाउन शुरू हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि कभी अगर प्यास लगी हो तो मैं डायरेक्टली इस टैंक से पानी पी सकता हूँ। अंकल आपका अगर रीडिंग या ड्रिंकिंग से ध्यान कभी हटे ना तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे होता। तो करो ना एक्सप्लेन, आई वांट टू नो, दे आल्सो वांट टू नो, है ना? ओके सो ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर काइनेटिक एंड फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में। हायर लेवल पे रखे गए कंटेनर से जब वाटर पेंडुलम वाटर चैनल की ओर मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब पानी वाटर चैनल से टाइमर के रोटर ब्लेड्स पर हिट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये रोटर मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हैं? पानी लाऊं? नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो एनर्जी आंटी है वो बहुत थक गई है H2O अंकल की तरह, है ना? सो वी बोथ नीड अ ब्रेक। एनर्जी को आराम चाहिए, यानी कि आपको आराम चाहिए, मतलब आपको ब्रेक चाहिए, कहीं ना? Yeah. All right. So let's take a short break. ब्रेक के बाद मैं जो कारनामा दिखाने वाला हूं उसे दिखाने के लिए भी एनर्जी चाहिए और देखने के लिए भी, इसलिए कुछ खा पी लो। आपको तो पता ही होगा कि ह्यूमन बॉडी खाने में मौजूद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि हम दौड़ धूप कर सके, खेल सके, अपना डेली रूटीन फॉलो कर सके। इसलिए जब वापस आओ तो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ, एक्स्ट्रा शक्ति के साथ। ओके शक्ति, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि ब्रेड खत्म हो गई है, मार्केट जाओ ब्रेड लेकर आओ, बच्चों को सैंडविच बना के देने, और तुम खेल रहे हो उस छोटे से योयो के साथ। ये आपको छोटा योयो लग रहा है? और नहीं तो क्या। ठीक है, मैं आपको इसका बड़ा वर्जन दिखाता हूँ जिसका नाम है बोयो। मतलब बड़ा है इसलिए बोयो, ये छोटा है इसलिए छोयो होना चाहिए ना। वो आपको भी लिफ्ट कर सकता है। रियली? यस, आई एम वेटिंग टू बी लिफ्टेड। ओके, लेट्स गेट इट देन। ये है मेरा ह्यूमन बोयो। सो अंकल, आप चढ़ना चाहेंगे इसके ऊपर? नेवर। इसमें थोड़ा सा वेट ऐड कर दो, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते अंकल? बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। गाइस, आर यू रेडी? ओके, ऑल राइट, सो लेट्स गेट ऑन विथ इट एंड लेट्स हैव सम फन। ओके, 1, 2। Okay. All right. अंकल अभी आप ट्राई करेंगे? मैं तो ये कभी ट्राई ना करूं। क्यों अंकल, ये तो आपको आसानी से लिफ्ट कर सकता है, डोंट वरी। अब वरी तो मैं तब करता हूँ जबकि बात मेरी समझ में नहीं आती है, और फिलहाल ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबू समझो इशारे, अंकल पुकारे, कुछ नहीं पड़ा पल्ले हमारे। समझ गया समझ गया, आपका इशारा मैं समझ गया अंकल। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि ये बोयो हमें योयो कैसे बनाता है? करेक्ट, राइट। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब हम रोप को नीचे खींचते हैं और फिर रिलीज करते हैं तो फ्लाई व्हील पे काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होती है, और फिर वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है।
फ्लाई व्हील पर हमने एक मोटराइज्ड गियर असेंबली लगाई हुई है टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील। जब हम इस एक्ट को कई बार रिपीट करते हैं तो फ्लाई व्हील में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ने लगती है और एक पॉइंट के बाद वो इतनी बढ़ जाती है कि एक फुल्ली ग्रोन आदमी को भी लिफ्ट कर देती है। फ्लाई व्हील उस आदमी को योयो की तरह ट्रीट करने लगता है क्योंकि योयो की तरह वो भी ऊपर नीचे होता रहता है और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। इस बोयो की तरह मैं ऊपर नीचे नहीं हो सकता, आई नो इट, लेकिन डेफिनेटली मैं आगे पीछे तो हो ही सकता हूँ। आगे पीछे मतलब फ्लैश फॉरवर्ड से मैं फ्लैश बैक में जा सकता हूँ। बेटा तुमने जो एनर्जी के बारे में इतनी बातें कही है जरा एक बार दोहरा दो वरना हम भूल जाएंगे, और जरा अच्छी तरह समझाना, उसके बाद मैं तुम्हें गुआवा जूस पिलाऊंगा वो भी फ्री में, जिससे तुम्हें और एनर्जी मिलेगी फ्री। फिर तो आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक धमाकेदार रिएक्शन। कैंडल से फैन चलाना सीखा, माउस ट्रैप से बनाई एक चलती फिरती कार, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखा, वाटर टाइमर का मैकेनिज्म समझा, और आखिर में देखा एक बोयो जिसने ह्यूमंस को भी बना दिया योयो। योयो की तरह आप भी इस कैफे की ओर दोबारा खींचे चले आएंगे, इतना यकीन तो मुझे भी है। फिर भी एनर्जी को सेंसिबली यूज करना ताकि जब हमारी अगली मुलाकात हो तो आप फुली चार्ज्ड अप हो फॉर न्यू कारनामास एंड ढेर सारी मस्ती। इन द मीन टाइम आप हमें इस सवाल का जवाब भेजना ना भूलें। द क्वेश्चन इज, रेगुलर बैटरी में एनर्जी का कौन सा फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? Send in your answers to braincafe@zq.in. Till we meet again, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार and जोरदार. Only on Brain Cafe.